अल्लाम आलकम वरकमदिल्ला वाहद वसला तो वसला मला नबी अबाद अमाबाद ख़वान व हजरात इस्टूडियो इस्लाम में आपका इस्तबाल है रियाज साल का जो दर्श आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है उसमें आज जो बाब है वो ये जानदार की तस्वीर बनाना जो भी चीज़ जिसके अंदर जान है जैसे इंसान है परिंदे हैं जानवर हैं तो इन सब की तस्वीर बनाना जायज़ है या नहीं इस्लाम ने इसको नाजायज़ करार दिया है कब जायज़ होगा वो हम इंशाल्लाह आपको बतलाएँगे वरना पूरी तरीक़े से इन चीज़ों को मना किया गया है सबसे पहली हदीस जो इस बाब में है वो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ील्ल्ल की। वो कहते हैं कि अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक वो लोग जो ये तस्वीरें बनाते हैं तस्वीर खा पेपर पे बनाई जाए या स्टैचू की शक्ल हो ये सब एक ही हुक्म में आते हैं तो जो लोग भी ये तस्वीरें बनाते हैं क़यामत के दिन उनको अजाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो तस्वीरें बनाई थीं, उनको ज़िंदा करो उनमें रूह डालो ये बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर ये हदीस है तो मालूम ये हुआ कि तस्वीर बनाना मुसव्वरी जिसको कहते हैं ये चीज़ ग़लत है इस्लाम में मना है हराम है खासकर जिस चीज़ में जान है हो बहू शक्ल बनाना ये चीज़ बिल्कुल गलत है इंसान की हो जानवर की हो परिंदे की हो जिसकी भी हो ये चीज़ मना है पहले पूरी हदीसें सुन लेते हैं उसके बाद कब ये चीज़ जायज़ होगी वो हमको बतलाएँ आपको बतलाएँगे दूसरी हदीस है जिसके रावी उमुल हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह हैं वो कहती हैं कि कदीम रसूलिन सफ़रिन व़द सतर तो बेराम फ़ी ही तमास कि आप सल्लम एक सफ़र से तशरीफ़ लाए और मैंने घर की दरवाज़े पर या खिड़की पर एक पर्दा डाला हुआ था जिसमें तस्वीरें थीं चुनाचे जब उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपके चेहरे का रंग बदल गया यानी आपने नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा सख्त आज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में उसकी नकल उतारते अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में नक़ल उतारते युज़ाह न बलखिल्ला क़ालत तो हजरत आयशा रजी अल्लाह त फरमाती हैं फ़क्ताना चुनाचे हमने उस पर्दे को काट दिया फ़जाल नमीन हो वि सा दन मैंने उसे एक या दो तकिया बना लिया तो अब इस हदीस में हमें इस चीज़ की इजाज़त मिलती है कि किस सूरत में जायज़ है और किस सूरत में जायज़ नहीं है घर पे लगाना दरवाज़े दरीचों पे लगाना शौक़ के तौर पर दीवारों पे टांग के रखना ये सब चीज़ मना है लेकिन अगर ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो नीचे पैर के नीचे आ रही है या तकिए वग़ैरह हैं जिसके ऊपर इंसान चलता फिरता उठता बैठता है तो वो चीज़ दुरुस्त है इसी से बाद बात ने लिया है कि आज चुके इल्म में इन सब जानवरों की तस्वीरें भी बना के दिखाई जाती हैं तो पढ़ाई के लिए भी ये चीज़ दुरुस्त है क्योंकि आर्ट ये भी एक फ़न है ये भी एक इल्म है तो उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ दुरुस्त है बल्कि उसमें भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करना बेहतर है या बनाएँ तो उसके नाक कान सर वग़ैरह कुछ बिगाड़ कर बनाएँ हो बहु ना बनाएं ताकि अल्लाह की खिलकत के जैसा पैदाइश के जैसा पैदाइश ना हो बल्कि चेहरे आँख कान नाक को सपाट करके सादा सीधा बना के इस तरीक़े से बनाएं तो वो दुरुस्त हैं जहाँ तक कपड़े वगैरह की बात है तो ऐसा ना ख़रीदें क्योंकि उसके अलावा आजकल बहुत से कपड़े दस्तयाब हैं तस्वीरों के अलावा कपड़े लें क्योंकि उस वक्त हो सकता है कपड़ों की तंगी थी तकलीफ़ थी किसी ने दिया होगा और आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद आप ने उसका दूसरा रास्ता बताया आज हमारे पास तस्वीर के बग़ैर कपड़े मौजूद हैं लिहाजा हम ऐसे कपड़े ही इस्तेमाल करें खा बिस्तर के हो तकिए हो पहनने के हो ओढ़ने के, के हो बिछाने के हो या घरों में पर्दा लटकाने को हो ये सब चीज़ों को तस्वीर के बगैर रखना चाहिए फिर इसी तरह इंसान की तस्वीर इस पर भी के बहुत से ये हैं तो उलमा ने इस बात की इजाज़त दी है कि जहाँ पर इंसान की तस्वीर लगाना ज़रूरी है जैसे राशन कार्ड है पासपोर्ट है आईडी कार्ड जो भी होता है लाइसेंस होते हैं तो ऐसी जगहों में लगाना दुरुस्त है लेकिन बिला ज़रूरत तस्वीरें लेना जैसे शादी वगैरह में फुल फुल आलबम लड़के वालों के तरफ से लड़की वालों की तरफ से दोस्तों के तरफ से इनके तरफ से तो ये सब ग़लत है और आज जब के मोबाइल का ज़माना आ गया है तो मोबाइल के कैमरे हमेशा सेल्फ़ी ये वो बिला ज़रूरत नहीं लेनी चाहिए ये सब चीज़ें भी ग़लत हैं इनसे बचना चाहिए तस्वीर भी उसी में आती है हाँ ज़रूरत के लिए ले रहे हैं एक दो चीज़ें याद के लिए तो ठीक है अच्छा इनको घरों में लटकाना या दुनिया से जाने के बाद किसी की तस्वीर को घर में लटका के रखना और उनको डेली याद करना ये भी ग़लत है इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए हाँ एक मुसलमान मुल्क है उस मुल्क में पहले दूसरे लोग थे और उनकी तस्वीरें बनी हुई थी स्टैचू जिसे कहते हैं बहुत बड़े बड़े तो अगर पूरा इलाका मुसलमान हो गया है तो उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे लेकिन अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग उसके मानने वाले हैं तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि वो अगर ले जाना चाहें वो अगर मांगते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना उसका बेचना और या उसके बदले कोई चीज़ लेना ये दुरुस्त नहीं है ये इस्लाम की हमदर्दी होगी उस कौम के साथ कि वो चीज़ अपनी लेके चले जाएं तो वो गलत नहीं है आइए एक और हदीस सुनते हैं जिसके रावी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी हैं, वो कहते हैं कि समेत तो रसूल सल्लासम यक़ूल मनसवरा सूरत फ़ि दुनिया कुल्लफ़ा आईन फ़ोफ़ी और रोह योम वलई सा बिना फ़िकन बिना फ़िखन क्यों कहते हैं कि जो शख्स भी इस किस्म की तस्वीर बनाएगा दुनिया में उसे क़्यामत वाले दिन मजबूर किया जाएगा कि उसमें रूह फूके हालांकि वो उस पर कादिर नहीं है उससे वो काम नहीं हो पाएगा तो गोया नामुमकिन चीज़ को ना करे इससे मना किया गया है तस्वीरें खा की तस्वीरें खा की तस्वीरें बना कर लगाना इस्टेचू बनाना बाद लोगों ने इससे मुरासिफ़ इस्टेचू या वो जो पुतले बनाना ये सब लिए हैं बाकी तस्वीरें को वो लोग उसमें नहीं समझते हैं ये जदीद ख्याल के लोग हैं हालांकि उससे भी बचना चाहिए वो हुक्म देते हैं बतलाते हैं कि पैसे में तस्वीर है रुपयों में तस्वीर है इसमें तस्वीर है उसमें तस्वीर है आप पानी में देखते हैं तो तस्वीर आता है आईना देखते हैं तो तस्वीर आता है सवाल ये कि आईना पानी हम देखते हैं तो वो तस्वीर शक्ल होती है सिर्फ जो हम हटते हैं तो ख़त्म हो जाती है लेकिन ये सब चीज़ें जो हम पकड़ कर पेपर में शक्ल की सूरत में बना के रखते हैं तो ये चीज़ बाहर कैफ बिला ज़रूरत मना है जदीद ख़याल के लोगों ने जो जदीदियत पैदा की है वो मुनासिब नहीं है बिला ज़रूरत मना है हाँ बादशाह वग़ैरह की फ़ोटोएँ हैं जो पेपरों में आती हैं ये आती हैं न्यूज़ के तौर पर ये अलग चीज़ है वो जो है अगर उसको कोई मकसद से अच्छे ये के लिए इस्तेमाल करता है तो वह वो, वो चीज़ अलग है लेकिन हम उसको ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे इसी तरीक़े से ये तो तस्वीर हुई जानवरों की इसी में वो बाप भी इमाम नवी हैं कुत्ते के ताल्लुक से कि कुत्ते को घर में रखना ये भी फ़रिश्तों के आने से रोकने का सबब है अल्लाह की रहमत से रोकने का सबब है अब सवाल ये कि इसमें क्या है ये भी तो एक जानवर है और बड़ा वफ़ादार जानवर है बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो इस्लाम ने सिर्फ तीन चीज़ों में रखने के लिए इजाज़त दी है बाकी शौकिया बिला ज़रूरत इन सब चीज़ों को रखने की इजाज़त नहीं है जैसे हज़रतब्बिन उमर रतनऊ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना समय तो रसूल सल्लम यकूल मनिकना कल बन कल बैदिन ओमाशन फ़ान होन अज्र कुल्ला योमिन खीरातान कि जो शख्स शिकार शिकार यानी हंटिंग, या मवेशी की हिफाजत जानवरों की हिफाजत के लिए देखेंगे आप जंगलों में जो बकरियाँ जानवर चराते हैं वो अपने साथ कुत्तों को भी रखते हैं जो दिगर जानवरों से उसको बचाता है या वो कुत्ते को इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि वो खुद पत जंगलों में जाके पहाड़ों में जाके उन जानवरों को हाँक के लाता है एक आदमी ख़ुद उतना ऊंचा नीचा जंगल झाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ सकता ये जानवर उन्हीं के साथ रहता है इनकी भी हिफाजत करता है जानवर की भी हिफाजत करता है तो मवेशी की हिफाजत के लिए या खेत खलियान की हिफाज़त के लिए घर की हिफाजत के लिए शिकार के लिए या जानवर वगैरह की हिफाज़त के लिए अगर कोई आदमी कुत्ता पालता है तो उसको पाक साफ और उसका एरिया भी महदूद कर दे घर में रखता है कि उतना ही दूर तक वो रहे तो ये चीज़ इजाज़त है इसके अलावा अगर कोई कुत्ता पालता है तो मुतफ़न अल रवायत है कि हर दिन उसकी नेकी में से दो खीरात घट जाते हैं अब ये कई क्या है अलग अलग रिवायतों में इसकी ये बताई गई है एक जगह आया है कि जब आदमी जनाज़े में शिरकत करता है तो उसको एक सवाब और अगर कब्रस्तान जाके मिट्टी डालता है तो दो ख़ीत वहाँ बताया गया कि एक कीरात ओहद पहाड़ के बराबर है तो बहुत बड़ी नेकी हुई लिहाजा जो शख़्स ऐसा करेगा उसकी नेकी में से कम कर दिए जाएंगे लिहाजा बहुत सी हदीसें इस बाब के ताल्लुक़ से हैं और अक्सर लोग इस पर बहुत से एतराज़ भी करते हैं कि वो भी एक जानवर है उसे खसूस यूरोप अमरीका ये मुल्क ऐसे हैं कि इनको कुत्ते से ज़्यादा प्यार खुद अपने बच्चों से नहीं होता उतना उनके घरों में इंसान के बच्चे तो नहीं मिलेंगे ये जरिए जानवर ज़रूर मिलेगा और इस्लाम में बिल्ली को ज़्यादा पसंद किया गया तो उनको बिल्ली से नफरत है अब अजीब चीज़ है कि दोनों जानवर हैं एक से मोहब्बत और एक से नफरत इस्लाम में बिल्ली को पालना पसंद किया गया है जबकि कुत्ते को पालना नापसंद किया गया सिवाय उन तीन चीज़ों के जिससे जो है खेत के लियान, जानवर की हिफाजत या शिकार वगैरह के लिए इस्लाम ने इस जानवर को नफ़रत नहीं किया है क्योंकि शिकार अगर ये करता है और बिस्मिल्लाह कह कर उस जानवर को भेजा गया है और शिकार के लिए ही उसको रखा गया है और वो शिकार पकड़े जैसा वैसा ही लाकर मालिक के पास दे दे तो वो शिकार जायज़ है लेकिन अगर वो शिकार पकड़ने के बाद उसमें जानवर से इधर उधर खा लिया तो फिर वो जानवर जायज़ नहीं होगा बल्कि जैसा पकड़ा वैसा ही लाकर मालिक के पास दिया तो वो चीज़ जायज़ है बाहर कैफ़ हदीसों के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र है और ये सब अहदिस सही हैं हमारे नबी का खौल है खुद दुनिया उसके बारे में बहुत कुछ कहती होगी कि उसकी गंदगी यहाँ है वहाँ है ऐसा है वैसा है कि बाहर का जो कुछ भी हो हमें इस जानवर की गंदगी से और उससे बीमारियों से हमें बचने के लिए कहा गया है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए इसी बाब में इमाम नबी भी दो चीज़ चीज़ें लाए कि हलाल जानवरों को जो भी जानवर हलाल हैं उस पर सवार होने या वो जानवर जो हलाल तो हैं लेकिन आदतन वो गंदगी वग़ैरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हो तो उससे कराहियत किया गया है उसका गोश्त और उन सारी चीज़ों से हमें बचने के लिए कहा गया है जैसे कि अरब में चूँकि ऊँट का ज़माना था तो ऊँट के सारी किस्में बेहतर हैं ऊट में एक किस्म है जिसको अरबी में अल्जला कहते हैं वो ऊँट ऐसा होता है जो गंदी चीज़ें इस्तेमाल करता है तो उसके गोश्त खाने से मना किया गया है। हालांकि ऊँट की गज़ा वो नहीं है ऊँट की गज़ा अच्छी चीज़ है और ऊँट एक बेहतर जानवर है हलाल जानवर है लेकिन चूंकि वो एक जानवर ऐसा है वो एक जात कहिए या वो एक नस्ल कहिए कि जिसकी आदत है गंदी चीज़ें इस्तेमाल करने की तो आप ने उस चीज़ से मना फरमाया ना रसूल सल्समिलजलफ़िल इबिल के ऊँटों में एक किस्म है ऊँट की जो गंदगी खाने वाला है तो आप ने उस पर सवार होने से भी मना फरमाया और उसके इस्तेमाल करने से भी मना फरमाया तो मालूम है कि जानवर हलाल ही सही लेकिन अगर उसकी ग़ा गंदी चीज़ें दी जा रही हैं गंदी चीज़ों से उसकी परवरिश की जा रही है या गंदी चीज़ें उसकी खाने की आदत है तो उससे बचना चाहिए और बहुत से लोग कहेंगे कि देहातों में मुर्गियाँ हैं वो अक्सर गंदी चीज़ें खाती हैं तो मुर्गियाँ खाती हैं लेकिन उसकी जा वो नहीं है पालने वाला उसको सही गज़ा नहीं देता है तब वो गंदी चीज़ें खाती हैं ये जानवर वैसा नहीं है बल्कि इसको दिया जाए ना दिया जाए वो गंदी चीज़ें इस्तेमाल करता है तो ऐसे जानवर जिसकी आदत गंदी चीज़ों की हो तो उससे हमें और आपको बचने के लिए कहा गया है इस बाब में यही चंद हदीसें हैं जिस पर हम इक्तफ़ा करते हैं और यही चंद हदीसें इस छोटे से बाब में हैं तो बहर कैफ़ जिन जानवरों से हमें मना किया गया है रखने से पालने से या तस्वीर वग़ैरह से क्योंकि ये सब चीज़ें अल्लाह की रहमत से दूर करती हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए आमीन व सल्वालनबी